फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। और ये विलोम शब्द का पांचवा वीडियो है। इससे पहले आप चार वीडियो देख चुके हैं, ठीक है, और हर वीडियो में आपको 40 विलोम शब्द मिल रहे हैं। ये पांचवी सीरीज है, ठीक है। और आप देख रहे होंगे कि जो भी आप विलोम शब्द आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, ये उससे थोड़ा डिफरेंट मिल रहे होंगे, ठीक है। चूंकि हम बहुत ही छांट छांट करके कई सोर्सों से मैंने इनको छांटा है, वहां से हम इनको इकट्ठा कर रहे हैं ताकि ऐसे विलोम शब्द आपको हम बता पाए जो आपको कहीं से ना मिले, ठीक है, और जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हो और आप अधिकतम प्रश्न सही करके आए, ठीक है। हाँ, एक आपको सूचना और मैं बता दूं कि आपका जो परीक्षा भी जो 3 मई 2020 को होने वाली है, आरओ 2016 वाली जो, ठीक है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अभी हिंदी चल रहा है, ठीक है, फिर साथ में आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाएंगे, इसके बाद आपको हम यूपी स्पेशल पढ़ाएंगे, जनगणना आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है, जीएस की कुछ जो, हालांकि पूरा जीएस तो आपको हम नहीं पढ़ा पाएंगे, इतना समय नहीं बचा है, लेकिन जो जीएस की महत्वपूर्ण चीजें हैं जहां से प्रश्न अक्सर आते हैं, हम उसको भी आपको पढ़ाएंगे। और हमारी कोशिश ये होगी कि परीक्षा से कम 8 से 10 दिन पहले हम सारा सिलेबस आपका खत्म कर दूंगा, ठीक है, और फिर मैं कुछ रिवीजन टाइप का कराऊंगा, कुछ सीरीज चलाऊंगा, ठीक है, तो उसमें आपको रिवीजन भी करवाएंगे, तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, कि हम आपकी सफलता में, आपकी परीक्षा में सहयोगी बने हैं और हमेशा बने रहेंगे, ठीक है। आपने अगर मुझ पर भरोसा किया है तो हम आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे, हम आपके साथ हमेशा हैं और बने रहेंगे जब तक कि आप अंतिम रूप से सफल नहीं हो जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। चलिए, उज्जवल का जो विलोम शब्द है वो है धूमिल, ठीक है। उत्तेजन का है प्रशमन, ठीक है। उधम का है आलस्य, आलस्य, ठीक है। उद्वेग का है निरुद्वेग। गुण का है अगुण, अगुण। आकृष्ट का है विकृष्ट, विकृष्ट, ठीक है। स्वल्पायु का है दीर्घायु, सॉरी दीर्घायु नहीं, इसका होता है चिरायु। स्वल्पायु होता है चिरायु, मतलब स्वल्पायु का मतलब होता है कि कम उम्र, और चिरायु का मतलब होता है दीर्घायु। दीर्घायु कह सकते हैं इसको, जिसकी लंबी उम्र हो, चिरायु हो या दीर्घायु हो, ये भी कह सकते हैं। विपत्ति का है संपत्ति, ठीक है। स्वजाति का है विजाति, और दुष्ट का है, दुष्ट का हो जाएगा सज्जन, सज्जन, यानी दुष्ट व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति, दुष्ट का उल्टा सज्जन। प्रकृति का हो जाएगा पुरुष, प्रकृति का हो जाएगा पुरुष। अलंबी का हो जाएगा लव्य, ठीक है। गमन का हो जाएगा आगमन, ठीक है, गमन का आगमन, ठीक है, या बड़ा लगा देते हैं आगमन, ठीक है। विषाद का हो जाएगा हर्ष, करुण का हो जाएगा क्रूर, ठीक है, करुण का हो जाएगा क्रूर। अमर का हो जाएगा मर्द, अतिथि का हो जाएगा आतिथेय, ठीक है। एहसास का हो जाएगा अचेतना, अंतिक का हो जाएगा दूरांतिक, आंख का हो जाएगा निक, ठीक है। आत्मी का होगा
बनाने का हर्ष होता है, सुख मतलब दुख, ठीक है। आमोद का हो जाएगा अमोद, अमोद, ठीक है। आक्रमण का हो जाएगा प्रतिरक्षा, आकीर्ण का हो जाएगा विकीर्ण, आत्मा का हो जाएगा शरीर, ठीक है। ईद का हो जाएगा मुहर्रम, मुहर्रम, ठीक है। उद्गम का हो जाएगा विलय, ठीक है। गुण का हो जाएगा अगुण भी हो सकता है, लेकिन इसका जो सही विलोम शब्द होगा वो होगा प्रकट, ठीक है। गुण का मतलब मतलब छुप जाना, और प्रकट मतलब उसका विलोम शब्द होगा प्रकट, ठीक है, प्रकट हो जाना। गौरव का हो जाएगा लाघव, ठीक है। और चाटुकार का हो जाएगा स्वाभिमानी, चाटुकार हो जाएगा स्वाभिमानी। जूठा का हो जाएगा कोरा, ढांढस का हो जाएगा त्रास, लावण्य का हो जाएगा माधुर्य, ठीक है। लावण्य हो जाएगा माधुर्य। यक्ष का रक्ष, यक्ष का हो जाएगा रक्ष। पुष्टि का हो जाएगा परिहार, ठीक है। पुष्टि का हो जाएगा परिहार। ग्रस्त का हो जाएगा यति, वैमनस्य का हो जाएगा सौमनस्य, सौमनस्य, ठीक है। विकलांग का हो जाएगा सर्वांग, सर्वांग, ठीक है। अपांग का हो जाएगा सांग, और सामिप्य का हो जाएगा पार्थक, ठीक है। तो ये थे आज की क्लास के 40 विलोम शब्द, ठीक है। और अगर आपको कोई समस्या हो रही हो, कोई समझ नहीं आती है, आप कमेंट करिए, हम आपको उसको समझाएंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत आ रही हो, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।